नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिल अपना पाकिस्तान और मैं हूं डॉक्टर हुमा मीर। मैं हूं इंतखाब अहमद। नाज़रीन, कनाडा एक बहुत खूबसूरत मुल्क है और इस मुल्क की खूबसूरती में जहां ये कुदरती मनाजिर हैं, पहाड़ हैं, दरिया है, समंदर है, झीलें हैं, पार्क्स हैं, वही एक सबसे खूबसूरत बात यहाँ की सोसाइटी की है कि ये एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी है। यहाँ पर मुख्तलिफ ममालिक से आकर बसने वाले लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है, जो मुख्तलिफ मज़ाहिब से, मुख्तलिफ जो है वो अकायद से ताल्लुक रखते हैं, उनके जो हैं वो मुख्तलिफ ख्यालात हैं, वो बहुत मुख्तलिफ ज़बानें बोलते हैं। तो एक बहुत अच्छा सा एक माहौल यहाँ पे क्रिएट हुआ है कि यहाँ की जो सोसाइटी है उसमें आपको हर तरह के लोग मिलेंगे। फिर इसका फ़ायदा ये है कि जैसे ये हमारा प्रोग्राम है दिल अपना पाकिस्तान, और इस प्रोग्राम के ज़रिए से जैसे हम पाकिस्तान के कल्चर को प्रमोट करते हैं, पाकिस्तान की सकाफत को उजागर करते हैं, तो दुनिया को हमारे कल्चर के बारे में पता चलता है। इसी तरह और भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं, तो फिर न सिर्फ ये कि आपको अपने सकाफत को दूसरों से रुशराज कराने का मौका मिलता है, बल्कि साथ ही दूसरों की सकाफत को भी जानने का मौका मिलता है। जी हमें आपको मालूम है कि कनाडा में दुनिया के तकरीबन हर मुल्क के लोग, इवन अमेरिकन भी इमिग्रेशन लेते हैं यहाँ पे। वेरी सरप्राइजिंग, वैसे तो अमेरिका कनाडा के लोग ट्रैवल करते हैं बैक एंड फोर्थ, छः महीने रह सकते हैं अमेरिकन कनाडा में आके, कनेडियन यहाँ पे आके, लेकिन बाकायदा इमिग्रेशन लेके भी कनाडा के आते हैं। कनाडा में हर तरह की मजहबी, सकाफती, कल्चर जो भी आप कह लें उसकी बड़ी आज़ादी है यहाँ पे। हाँ। तो इसी तरह ये मिनिस्ट्री भी है यहाँ पे, कल्चरल की मिनिस्ट्री है, कल्चर की और मल्टी कल्चरल की। तो उनके और जो मेलनी एक मिनिस्टर है यहाँ पे, ऑनरेबल मेलनी, वो आई थी यहाँ पे और हमने उनकी कवरेज की है। इस हफ्ते यहाँ पे जून 26 को दिन मनाया गया है मल्टीकल्चरलिज्म का, और बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं अलॉन्ग विद कनाडा की बर्थडे के साथ, जो कि 150वीं बर्थडे आ रही है। बड़ी खूबसूरत बात है कि 1 जुलाई को इस मरतबा जो है वो कनाडा 150 साल का हो जाएगा, और 150 साल जो है वो बड़ा अच्छा, एक बड़ा तवील ऐसा है, तो यानी एक सदी और डेढ़ सदी। तो इसकी जो सेलिब्रेशन है वो पूरे कनाडा में जारी हैं, और आपको नज़र आ रहा होगा हर तरफ बहुत सारे इवेंट्स भी इस हवाले से हो रहे हैं। हम अपने जो आने वाले प्रोग्राम्स हैं उसमें उसको कवर भी करेंगे, और आपको जो है वो जो नए नए इवेंट्स हो रहे हैं उसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन ये जो अभी इंतखाब साहब तस्किरा कर रहे हैं कि ये जो मल्टी कल्चरल डे मनाया गया और उनकी मिनिस्टर भी आई थी यहाँ पर, एक बड़ा अच्छा इवेंट हुआ और उनसे हमारी गुफ्तगू रही, बातचीत रही, तो बहुत ही एक एहसास होता है कि सबको साथ लेके चलो। इंक्लूसिवनेस का एक लफ्ज यूज होता है, इंक्लूसिवनेस का, कि सबको इंक्लूड करते हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा फीलिंग है कि आप, मैं, कोई भी एक बंदा जो है जो यहाँ पैदा भी नहीं हुआ और 3 साल बाद सिटीजन बन जाता है, और सिटीजन बनने से पहले जब वो प्रॉपर उसके पास डॉक्यूमेंटेशन है, ही हैज फुल राइट्स, और ये वोट देना है तो 3 साल बाद उसे अलाउ होता है, लेकिन उससे पहले जब वो लैंडेड इमिग्रेंट होता है उसको वही राइट्स होते हैं जो एक दूसरे जी, जो एक यहाँ के जो यानी जो परमानेंट रेजिडेंट्स हैं उसको भी वही राइट्स हैं जो कि सिटीजन को है, सिर्फ ये कि वो वोट नहीं कास्ट कर सकते। और जब आप एक अरसा गुजार लेते हैं तो सिटीजनशिप बन जाती है। सिटीजनशिप का लॉ भी जो है अमेंडमेंट उसमें हो गई है बहुत ज्यादा, और इमिग्रेशन का लॉ भी बहुत अच्छा हो गया है। अब जो इनकी जो डिवाइडेड फैमिलीज हैं वो भी जल्दी आ जाएंगी, तो बहुत अच्छा। करंट गवर्नमेंट जो है वो ह्यूमन जो फीलिंग है उनकी अपनी फैमिलीज के बारे में, अपने कल्चर के बारे में, उससे बहुत सपोर्ट करती है। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि जो हमारे कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, वो एक ऐसी शख्सियत के मालिक हैं जिन्हें आलमी सतह पर बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। कनाडा में तो लोग उन्हें पसंद करते ही हैं, लेकिन दुनिया भर में वो अपने हुस्न अखलाक की वजह से जो है वो बहुत मशहूर हैं। और आप ये देखें कि वो मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ में जाते हैं, चाहे वो उनकी इबादत गाहों में जाते हैं, उनके साथ मिक्सअप हो जाते हैं, बात करते हैं, तो फिर आपको लगता है कि हाँ, ये आपके अपने प्राइम मिनिस्टर, ये बहुत बड़ी बात है।
और दुनिया भर में इतने पॉपुलर हैं, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। पाकिस्तान के जो अखबारात हैं उनके फ्रंट पेज पे इनकी फोटो छपती है। तो इसके दो पहलू हैं, एक तो बात ये कि जस्टिन ट्रूडो की जो पॉलिसीज हैं उसको लोग बहुत लाइक करते हैं, फिर उनको एज अ पर्सन लोग बहुत पसंद करते हैं क्योंकि इज अ वेरी काइंड मैन, उनकी गुफ्तगू सुने तो वो भी बहुत रीजनेबल बात करते हैं, उनकी पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं। फिर दूसरों के दर्द को महसूस कर सकते हैं, जब यहाँ पे सीरियन रेफ्यूजीज आए तो वो उनकी आंखों से अश्क बह रहे थे, तो ये बड़ी बात है कि उन्होंने उनके दर्द को महसूस किया। और फिर वो इबादत गाह में भी जाते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं, गुरुद्वारे में भी जाते हैं, तो बहुत अच्छी रोजा खोलने की तकरीब, वो जमीन पे बैठ के खोलते हैं। अभी अभी एक और किसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे यहाँ पे, तो वो जो पिकनिक बेंच है उस पे बैठे हुए लंच कर रहे हैं। आप अंदाजा करें कि कोक के कैन दो रखे हुए, दो बर्गर रखे हुए, दैट्स देयर लंच। और ये एक बहुत अच्छा मैसेज जाता है, सिंपलिसिटी की मिसाल है कि उसके लिए कोई ना गवर्नमेंट के खर्चे, बिल्कुल लगता था कायदे आजम के उसूलों पे कर रहे हैं। किसी साहब ने कहा था कि भाई वो चाय का इंतजाम है, तो कायदे आजम ने कहा था चाय पी के नहीं आया फिर से। तो आप अंदाजा करें वही चीज है कि इतना सिंपलीफाई करना अपनी चीजों को कि आवाम के पैसे को गलत जगहों पे यूज नहीं करना। जी हाँ, बहुत काबिले तारीफ है जस्टिन ट्रूडो। और बात हो रही है मल्टी कल्चरलिज्म की, देखते रहिए दिल अपना पाकिस्तान। आप यहाँ पे देखें मुख्तलिफ जो लोगों के सकाफती ड्रेसेस हैं वो अक्सर लोग पहनते हैं, देखने में अच्छा लगता है हमें। और अभी ईद भी गुजरी है और ईद पे जिस तरह से यहाँ पे हमें अपनी सकाफत को उजागर करने का मौका मिला, दिस इज समथिंग रियली वेरी ब्यूटीफुल। बिल्कुल, ऐसे ऐसे खवातीन कपड़े पहनती हैं कि जिसका बहुत खूबसूरती नजर आती है, मौका मिलता है। आपके जैसे अभी जो हमारे नमाज के इज्तेमाल होते हैं वो भी एक बहुत जबरदस्त एक हमारी कम्युनिटी का एक बहुत अच्छा मैसेज जाता है, और लोगों को पता चलता है कि हाँ ईद के मौके पर किस तरह से मुसलमान जो है वो नमाज अदा करते हैं। अच्छा, ये जो अभी इवेंट हुआ है 26 जून को जो मल्टी कल्चरल डे था, यहाँ पे और उन्होंने ईद सेलिब्रेशन एक घर में की थी, और वो इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इवेंट,
बहुत लिमिटेड लोग थे, लेकिन सब कम्युनिटीज के लोग थे वहाँ पे। उन्होंने अपनी तकरीर, मैंने उसके ग्लिम्पसेस लिए, उनसे इंटरव्यू किया, शॉर्ट इंटरव्यू किया, वो हम अभी आपको दिखाएंगे नाज़रीन। जी बिल्कुल। तो मेलानी, नाइस टू मीट यू हियर, एंड आई हैव फ्यू क्वेश्चन अबाउट योर मिनिस्ट्री, एंड वन ऑफ द क्वेश्चन इज बॉदरिंग मी इन ओंटारियो, व्हाट्स हैपनिंग इज इन द स्कूल्स, the school district is not providing halal food for the Muslim kids, and they are saying this is the Canadian way that we can we can do something about it, and about the food, because it's heritage and multicultural, would you look into that? Well, of course, this is something that is much more at the provincial and municipal level. Yes. But at the federal government, we can also always promote the importance of the Muslim community and their own heritage and ways of life, and certainly in the context of Canada 150 and everything we're doing in terms of multiculturalism, supporting the great, the great heritage is important to our government, and always promoting diversity and inclusion. We should never take for granted the fact that we have a peaceful society, and that's every right. day we need to work on it. Thank you very much. Thank you for being here, and I need a short interview which you have done. Yes. And in future we'll do more. Thank you very much. It's a pleasure. Melanie's from Montreal, and she represents the riding of Ahuntsic, Cartierville. You're so good. And she was elected. She was elected in 2015. Before then, she ran for city council and came very, very close to becoming mayor of Montreal. And since being elected, she's been serving as the Minister of Canadian Heritage in Justin Trudeau's cabinet. She's also was a practicing lawyer, worked for two large firms in Montreal before that, or after that, worked in for an international communications firm, right? So has a lot of experience at a very young age, and is one of the dynamic leaders in this government. So without further ado, I give you Minister Melanie Joly, the Minister for Canadian Heritage. I would like to thank the host and the entire family. I'm really happy to be here. Of course, Assalamualaikum. And Eid Mubarak. I have the chance to work and represent an important Muslim community in Ahuntsic, Cartierville, actually the biggest in Quebec. And it's always great to be able to celebrate with the community, especially at this important time. So I've had the chance to do many iftars, but it's my first meet, so have the chance to be in Vancouver with you, and especially at the eve of such an important celebration, because tomorrow is actually Multiculturalism Day in Canada. It's every 27th of June, we have the chance to celebrate. And so in the context of Canada 150, we really wanted to make sure that we could celebrate the importance of multiculturalism and the importance of ultimately respecting one's identity and communities. And of course, this will lead up to the Canada Day event. And as mentioned, Vancouver will be an important place to celebrate. So, obviously high, it was about 69%, but Muslims were the highest at approximately 80%. 80% of eligible Muslims voted, partly in response to Harvard, but also there was a positive pull from the message from Justin Trudeau and the Liberals. And so there was a combination of things, and I hope that this is not, and we've seen actually an increase in our voter participation or in our engagement in the provincial election. So I think it's safe to say that it's something that we're going to commit to. And, oh, yeah. And that's that not even a question. Yeah, we have to, right? And so. Well, we've done it and we'll continue to do it. That's not even a question. Yeah. Because, you know, the Liberals are at the core of the, it's because of a Liberal government under Trudeau father that we came up with the Charter of Human Rights.
and that has been, there has been a clear commitment towards the importance of multiculturalism, the importance of minority rights, of pluralism in general, and that is not, that will not change. That's part of the DNA of being a liberal and being a Canadian liberal. So that clearly not only won't change, but we want to be celebrating the importance of diversity. Thank you.
यहाँ पे मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन जो हैं अपने फूड ड्राइव करती हैं, गिविंग जो है वो इस तरह करती हैं कि सम टाइम दे गिव फूड। अब रमज़ान में हमने फूड का मैंने वो गया मैं पाकिस्तान कैनेडा एसोसिएशन ने फूड ड्राइव की थी, वो हर साल करते हैं और मैंने इसकी कुछ झलकियाँ आपको दिखाते हैं नाजरीन तक को, तो देखते रहिए दिल अपना पाकिस्तान। Oh, the chest. Yes. Okay, there you go. So, Sonico, Nazreen Dilapna Pakistan ke saath Intikhab Ahmed aaj yahan pe ek group hai jo ke motorbike pe peace ka message dete hain aur hamare saath Harun Khan bhi hain, so I'll introduce you Harun Khan and Harun Khan will introduce his motorcycle bikers. I shouldn't be saying bikers but they are biking anyway, so Arun sahab, welcome to Dilapna Pakistan and thank your you Ramadan feast, what you guys are doing as you can explain. So assalamu alaikum, this is the 11th annual Ramadan Spirit. It's sponsored by Pakistan Khan Association Al Jamia Masjid Vancouver. We've been doing this for 11 years publicly, but for many years before, during, and even after all of this, it's something that we call a continuum of caring. It's happened since the beginning of time and will go on until the end of time. People want to give to the people that need it, and alhamdulillah, there's a lot of people that need something, and we are that instrument to give it. So I'm very honored to be joined here by the Muslim Riders Association. These are brothers that are involved in many ways. They love, they're enthusiasts, they love riding their bikes, but they're also in law enforcement as well, and RCMP with Crowns and Police and other things. And I'd like to introduce a brother here. As you can hear, we're in the downtown east side, so these sirens, they're not for show, they're not for fun. There's an overdose every 5 or 10 minutes here. There's a fentanyl crisis here. Over 1,000 people died of overdoses here. And there are neighbors, there are brothers and sisters, and they, you know, just a wrong choice and they've passed away. But there's life-saving kits here. The first responders, the police, the ambulance, they work tirelessly to go and keep these people safe. And we're doing our bit to go and give them some healthy food to eat. तो मलिक साहब आज आप बताइए कि आप यहाँ पे किस तरह से लोगों को सर्व कर रहे हैं और इस फूड ड्राइव का क्या मतलब है? अभी ये प्रोग्राम हमने शुरू किया था 10 साल रमजान एवरी रमजान दिलपरा पाकिस्तान और इतफाक भाई आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने इधर अपना टाइम निकाल के इधर लेके आए हैं, कम्युनिटी को हाईलाइट किया है। आप देखें कि इस वक्त कम्युनिटी के बहुत सारे वॉलंटियर्स इधर मेयर एंड हेस्टिंग स्ट्रीट में सिर्फ फूड ड्राइव के लिए आए हैं रमज़ान में। ये इंशाल्लाह हम पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं और इस साल भी इसी तरह जज्बे जोश जज्बे के साथ कर रहे हैं ताकि लोगों को हम अपना दे सकें और शेयर कर सकें कि हमारी क्या फीलिंग्स हैं इसके साथ। इंतहा भाई आप लोगों का प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है माशाल्लाह। दिल अपना पाकिस्तान आजकल कम्युनिटी में फेवरेट बनता जा रहा है, उसकी सिर्फ एक रीज़न ये है कि जिस जगह पे भी कम्युनिटी का कोई फंक्शन होता है तो ये लाजमी पहुँचते हैं। सवाल करेंट दोस्त हैं, सबसे आखिर में मैं कहूँगा कि सब लोगों को ईद मुबारक पेश की। पाकिस्तान फेस्टिवल की ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में है और मैं वसीम जावेद से पूछूंगा। वसीम जावेद, बिसाइड ये रमज़ान ड्राइव के अलावा आप जो मुझे बताएंगे वो पाकिस्तान का जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसके बारे में बताइए। पहले मुझे ये जो आप यहाँ वाले थे पहले इसके बारे में बताएंगे। शुक्रिया आपका इंतजाम किया, आपके यहाँ पर आए और यहाँ पर कवरेज दे रहे हैं। ये जो है तो काफ़ी सालों से होता आ रहा है, जब से मैं जो है तो कम्युनिटी में इन्वॉल्व हूँ, जब से मैं यूनिवर्सिटी में था तब से जो है तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे फूड ड्राइव और हमने लिखा इस दफ़ा पार्टिसिपेट किया और इससे अच्छी कॉज भी हो नहीं सकती कि आप गरीबों को जो है तो खाना दे रहे हैं रमज़ान के महीने में। और दूसरा ये कि आप ये नहीं देख रहे कि गरीब मुसलमान है या क्या मुसलमान नहीं है, इंसानियत के नाम पर हो रहा है। तो ये यहाँ पर हो रहा है जामिया मस्जिद वैंकूवर और पाकिस्तान कैनेडा एसोसिएशन की तरफ से। अच्छा, तो वसीम जावेद अब आप ये बताइए कि अपकमिंग इवेंट जो आ रहा है, जो मेजर इवेंट आ रहा है उसके बारे में बताइए। 14 अगस्त की फैसिलिटी हो रही है
और ये मुस्लिम जावेद जो है उसकी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में है, तो आप कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? तो इंशाल्लाह हर साल की तरह इस साल भी पाकिस्तान फेस्टिवल हो रहा है और पिछले साल की तरह ही इस साल वैंकूवर कन्वेंशन सेंटर में जैकपुर प्लाजा जो है जो ओलंपिक टॉर्च है वहाँ पे हो रहा है वैसे, और ये 13 अगस्त संडे को हो रहा है। इंशाल्लाह बच्चों के लिए काफ़ी अख्ताम होगा, पिछले दफ़ा जो है तो कुछ लोग कह रहे थे कि बच्चों के लिए अख्ताम ठीक नहीं है, तो इस तरह बच्चों के लिए काफ़ी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं हम। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिल अपना पाकिस्तान, डॉक्टर हुमा अमीर और इंतखाब अहमद के साथ। और नाज़रीन, हम अपने इस प्रोग्राम के जरिए से पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान के कल्चर को, पाकिस्तानी कम्युनिटी को प्रमोट कर रहे हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे प्रोग्राम को पसंद किया। जी बिल्कुल, नाज़रीन का इतना इंतहाई शुक्र गुजार है हम लोग कि वो हमें अपनी राय भी देते हैं, अपनी राय से हमें हम प्रोग्राम को इम्प्रूव भी करते रहते हैं। जी बिल्कुल, और देखते रहिए दिल अपना पाकिस्तान।